हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच्चे ते सामर्थी परमेश्वर जी, प्रभु जी मैं तुहाडा धन्नवाद करदा मेरे महान परमेश्वर जी, अज दे इस सुंदर समय दे लई प्रभु जी जो तुसी साडे लई ठहराया मेरे महान परमेश्वर जी। खुदा मैं तुहाडा धन्नवाद करदा परमेश्वर जी जो तुसी अपने बच्चों नू अज दी इह सुंदर सवेर दिखाई। पवित्र आत्मा जी मैं तुहाडा धन्नवाद करदा जो तुसी रात भर सानू संभाल के रखिया, स्वर्गदूतां नाल साडी अगवाई कीती मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, और सानू मिठी नींद तो जगाया मेरे प्रभु जी। इहदे लई भी मैं तुहाडा धन्नवाद करदा मेरे सामर्थी परमेश्वर जी जो तुसी सानू इस प्रार्थना दे विच इकट्ठा कीता। पवित्र आत्मा जी मैं तुहाडा दिल तो धन्नवाद करदा मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा सचमुच मेरे मुक्ति दाता तुसी हो मेरे प्रभु जी, तू मेरा बल है, तू मेरी बुद्धि है, तू मेरी चट्टान है मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, तू मेरा उच्चा गढ़ है। पवित्र आत्मा जी तू मेरे मस्तक नू उच्चा करने वाला जीवित परमेश्वर है। खुदा सचमुच अज जो भी लोग इस प्रार्थना दे विच शामिल ने जां इस प्रार्थना नू सुन रहे ने मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, जिंदा खुदा अज तुहाडे बच्चों के जीवन के विचों हर तरह की निराशा खत्म हो जाए यीशु के नाम, हर तरह की निराशा तुहाडे बच्चों के विचों खत्म हो जाए यीशु के नाम। खुदा सचमुच अज इन्हां दे जीवन दे विच आशा ठहर जावे यीशु दे नाम च। खुदा तुहाडा वचन तुहाडे बच्चियां नूं आशा दिंदा है मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा सचमुच दुष्ट हमेशा ही इंसान नूं निराश करदा है, पर बाइबल दसदी है तुहाडा वचन हमेशा ही इंसान दे जीवन दे विच एक नवी उम्मीद लै के आउंदा है मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। जिस तरह तुहाडे वचन दे विच लिखिया, पत्रस सारी रात मच्छियां फड़दा रहा, सारी रात मेहनत करता रहा, बाइबल दसती है पर उन्हें एक भी मच्छी नहीं फड़ी। पवित्र आत्मा जी सचमुच जब पत्रस पूरी तरह निराश हो गया, तुहाडा वचन दसदा जदों तुसीं पत्रस नूं जगह ते कहा कि इस जगह दे उपर जाल नूं पाओ, परमेश्वर जी सचमुच पत्रस ने जद तुहाडे कहने दे उपर उस जगह दे उपर जाल नूं सुट्टिया, बाइबल दसदी है जाल मच्छियां दे नाल भर गया मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा जो भी लोग इस प्रार्थना दे विच शामिल ने मेरे सामर्थी पवित्र आत्मा जी, जो भी लोग तुहाडे कहने अनुसार चलते ने परमेश्वर, अज मैं विश्वास करता उन्हां दे भी जाल अज बरकतां दे नाल भर चुके ने यीशु दे नाम। खुदा जो तुहाडे कहने अनुसार चलते ने, जो तुहानू अपने जीवन नू दे चुके ने, मैं विश्वास करदा जिस तरह पत्रस दे जाल नू तुसी भरिया, अज इन्हां दे भी घरानियां नू पवित्र आत्मा जी तुसी बरकतां दे नाल भर चुके जी मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा सचमुच तुसी भी अपने बच्चियां दी प्रार्थना नू अज तो सुनना शुरू कर दिता, मैं विश्वास करदा। खुदा तुसी न्यायी परमेश्वर जी, खुदा तुसी दया दे सागर परमेश्वर जी, मेरे प्रभु जी तुहाडे वचन जबूर 34:18 दे विच लिखिया, यहोवा टुटे दिल वालियां दे नेड़े है अते कुचले आत्मा वालियां नू बचाउंदा है। परमेश्वर जी सचमुच जो लोग अंदरों टुट चुके ने, जो निराश हो चुके ने, सचमुच परमेश्वर जी तुसी उन्हां नू बचाउंदे जी, तुसी हमेशा उन्हां दे नेड़े रहिंदे जी मेरे प्रभु जी, तुसी अपने बच्चों नू कदे भी अनाथ नहीं छड्डदे मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा तुहाडे वचन इब्रानियां 13:5 विच लिखिया, मैं तैनू कदे ना छड्डांगा ना कदे तैनू त्यागांगा। परमेश्वर तुसी अपने बच्चों नू कदे नहीं छड्डदे मेरे सामर्थी प्रभु जी, तुसी महान परमेश्वर जी। तुहाडा वचन दसदा है जद भी वह औरत पवित्र आत्मा जी राजे दे कोल गई, सचमुच बाइबल दसदी और राजा बहुत जिद्दी सी, पवित्र आत्मा जी वो लगातार विधवा औरत राजे दे कोल अपने न्याय दे लई जांदी रही पर परमेश्वर जी सचमुच और राजे ने विधवा औरत नू मेरे सामर्थी परमेश्वर जी उहदे न्याय नू कीता, उहदे न्याय नू ठहराया। पवित्र आत्मा जी जिस तरह तुसी उस राजे दे मन नू बदलिया परमेश्वर जी, खुदा अज जो भी लोग पवित्र आत्मा जी अज करजे दे विच ने मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, खुदा सचमुच जिस तरह तुसी उस विधवा की दुहाई नू सुनिया पवित्र आत्मा जी मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, खुदा तुसी राजे दे मन नू बदलिया। अज जो भी लोग करजे दे विच ने पवित्र आत्मा जी परमेश्वर जी, जो भी लोग इन्हां दे कोल पैसे मंगन लई आ रहे ने परमेश्वर, खुदा सचमुच तुहाडा आत्मा इन्हां दे लई पैसों का इंतजाम करे मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा सचमुच
सचमुच इन्हां दे मन सचमुच जो निराश ने खुदा सचमुच तुहाडा आत्मा इन्हां दे जीवन दे विच वड्डे कम्मां नूं करे और सचमुच इन्हां दे जीवन दे विच वड्डी आशा ठहरे यीशु दे नाम दे विच। खुदा सचमुच तुसीं अपने बच्चों की प्रार्थना नूं सुनो हमेशा मेरे प्रभु जी, सचमुच मेरे महान परमेश्वर जी खुदा ये दुष्ट की हर एक चाल नूं समझण वाले बन जाण मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा सचमुच दुष्ट हमेशा इन्हां दे जीवन दे विच निराशा नूं लैके आउंदा है। अज पवित्र आत्मा जी मैं तुहाडे अगे प्रार्थना करदा कि अज दुष्ट दी हर एक चाल नूं समझण वाले बन जाण। परमेश्वर जी तुहाडा वचन दसदा है कि जिस तरह तुसीं इंसान नूं चुनिया अपने दासां नूं चुनिया वचन नूं सुनाउण दे लई, इस तरह दुष्ट भी इंसान नूं चुनदा है अपनी इच्छा नूं पूरा करन लई। पवित्र आत्मा जी जद भी दुष्ट इंसान नूं डॉक्टरां नूं इस्तेमाल करता है उन्हां नूं शब्दां दे द्वारा यह कह के कि तुहाडा बच्चा कदे भी चंगा नहीं हो सकदा, तुहाडी बीमारी कदे भी नहीं जा सकती मेरे सामर्थी परमेश्वर, पर उस जगह दे उपर तुहाडा वचन बोलदा है सचमुच जो इंसानां दे कोल अन्न होना है परमेश्वर जी तुसीं उन्हूं कर सकते जी मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा कोई बीमारी साढ़े जीवन दे विच नहीं वड्डी परमेश्वर जी, तुहाडा आत्मा वड्डा है मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा जिन्हें इंसान नूं बनाया है मैं विश्वास करदा वह इंसान की हर एक बीमारी नूं खत्म करन दी भी ताकत रखता है मेरे सामर्थी परमेश्वर। जो वकील इन्हां नूं बोलदे ने कि इन्हां दा केस कदे भी हल नहीं हो सकता परमेश्वर, वह वकील नहीं वड्डा, तुहाडा आत्मा वड्डा है सचमुच। उस जगह के उपर भी तुहाडा वचन कहिंदा है जो इंसानां दे कोलों अन होना है परमेश्वर जी तुसीं उसनूं कर सकदे जी। पवित्र आत्मा जी जो एजेंट बोलते हैं कि तुहाडा बच्चा कदे भी बाहर नहीं जा सकता सचमुच मैं उस जगह के उपर वचन नूं रिलीज़ करदा, तुहाडा वचन कहिंदा है जो इंसानां दे कोलों अन होना है परमेश्वर जी तुसीं उसनूं कर सकदे जी मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। जो टीचर इन्हां दे बच्चों नूं बोलते हैं कि इन्हां दा बच्चा कदे भी पढ़ नहीं सकता सचमुच तुहाडा वचन कहिंदा है जो इंसानां दे कोलों अन्न होना है परमेश्वर तुसीं उसनूं कर सकदे जी। पवित्र आत्मा जी जो लोग इन्हां दे बच्चों नूं बोलदे ने कि ये नशई है कदे भी नशे छड्ड नहीं सकदा, तुहाडा वचन कहिंदा है जो इंसानां दे कोलों अन्न होना है परमेश्वर तुसीं उसनूं कर सकदे जी। पवित्र आत्मा जी जो विश्वास दे द्वारा तुहाडे अगे अपने किसी भी विषय लई प्रार्थना करना मैं विश्वास करदा अज तो तुसीं उन्हां दी प्रार्थना नूं हमेशा ही कर ला के सुनोगे मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा आज तो दुष्ट की हर एक चाल नूं समझन वाले बन चुके ने परमेश्वर जी, सचमुच दुष्ट हमेशा ही इन्हां दे जीवन दे विच निराशा लैके आउंदा है पर तुहाडा वचन हमेशा ही नवी उम्मीद नूं लैके आउंदा इन्हां दे जीवन दे विच। पवित्र आत्मा जी सचमुच अज तो जो भी लोग तुहाडे अगे प्रार्थना करन परमेश्वर जी कदे भी अपनी कीती प्रार्थना दे उपर शक ना करन मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा तुसीं इन्हां नूं सचमुच तुसीं सानू भी पवित्र आत्मा जी साडी माँ दे गर्भ दे विच्चों ही चुन लिया है मेरे सामर्थी प्रभु जी, तुसीं जिन्हां ने सानू चुनिया है परमेश्वर मैं विश्वास करदा वो साडी प्रार्थना नूं भी सुनणगे। तुसीं सानू प्रेम करन वाले जीवित परमेश्वर जी मेरे खुदा, तुसीं न्यायी परमेश्वर जी मेरे प्रभु जी। तुहाडे वचन यशाया 49:14 दे विच लिखिया पर सियोन ने आख्या यहोवा ने मैनू छड्ड दित्ता अते प्रभु ने मैनू भुला दित्ता, भला तीवी अपना दुध चुंघदा बच्चे नूं भुला सकदी है, भाई वह अपने ढिड दे बाल उत्ते रहम ना करे, यह भला भुल जाण पर मैं तेनूं नहीं भुलांगा, वेख मैं तेनूं अपनियां हथेलियां उत्ते उकर लिया, तेरियां कंधां सदा मेरे सामने हन। परमेश्वर जी सचमुच तुहाडा वचन दसदा है पवित्र आत्मा जी, एक माँ भी अपने दुध चुंघदे बच्चे नूं भुल सकती है पर परमेश्वर जी तुहाडा वचन कहिंदा है तुसीं सानू कदे भी नहीं भुलोगे मैं विश्वास करदा, तुसीं साडी प्रार्थना नूं हमेशा सुनोगे मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। खुदा तुसीं साडे नाम नूं अपनियां तलियां दे उपर उकर लिया है मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, मैं विश्वास करदा तो साडी जीवित प्रभु है मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, तुसीं सानू कदे भी निराश नहीं रहन दोगे मेरे महान परमेश्वर जी। खुदा तुसीं साडे घराने दे उपर बरकत नूं ठहराउण वाले परमेश्वर जी। खुदा सचमुच जो लोग विश्वास नाल तुहाडे अगे प्रार्थना करदे ने मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, खुदा तुसीं दी प्रार्थना नूं कदे भी अनसुना ना करो पवित्र आत्मा जी। जो
ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਖੁਦਾ ਜੋ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੋ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ। ਖੁਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਆਦਰ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ।